नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग के अंदर। आशा करता हूँ आपके स्वास्थ्य मस्त और आनंद होंगे। कोई ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम को, बस कल का दिन और कंटिन्यूटी भी डेली होगी, दिन में सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। आज ये हमारा आज रमेश भाई ने इतना काम कर दिया, देख लो कंप्लीट। और मंगल भाई साथ में लगे हुए, मौसम जोरदार बन चुका है और बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं घंटे दो घंटे रुक के फिर रात भर बरसे, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नहीं तो सीमेंट खराब हो जाएगी यार। हालांकि हमारी सीमेंट के पीछे हम नहीं देखेंगे, बारिश भी ज़रूरी है, बारिश भी आनी चाहिए, आ जाएगी तभी, लेकिन हमारी भी भगवान सुनेगा, भी अच्छा रहेगा। इतना काम करता हूँ उसके बाद में भी मेरे को यार जन डांटता रहता है। मैंने कपड़े मेरे धो लिए, वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए और मेरे कपड़े धो लिए, मैंने सर्फ डाल दिया उसके अंदर, पानी चालू कर दिया, कपड़े अंदर डाल दिए, लेकिन धूप गए और ये निकाल नहीं पा रहे, देख लो उसके अंदर से। अब इसमें मेरी गलती है इनकी गलती आप बताना बस, क्योंकि मैंने धोए ना कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले मैंने। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, जैसे कोई मैंने हाथ से धोए हो, हाथ से धोए नहीं, कपड़े डाले वॉशिंग मशीन के अंदर, जैसे डाले वैसे ही निकाल लो, और क्या करना मेरे को। तो आलसी मैं हूँ एक्चुअली में, फिलहाल अब मैं कपड़े निकाल लेता हूँ वॉशिंग मशीन से, धूप चुकी है, सुबह से धूपे हुए अंदर पड़ोगे, अब निकाल पा। ये कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक रेम बन गया और वहाँ पे सीढ़ियाँ बन गई और सामने भी एक जैसा बन गया बिल्कुल। बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल आज के दिन का पूरा ये काम है, ये देख लो बैठे कहाँ पे, देख लो आप चेन कहाँ बंदी और बैठे कहाँ पे, इसलिए बैठे क्योंकि यहाँ बिछाने का, अगर बिछाने का नहीं होता तो ये बैठते भी नहीं ऐसे उस्ताद है। और ये जो हमारे गंगा का दूध निकलता है ना, उसका दही जमा के और फिर उसके अंदर से क्रीम निकाल के और फ्री ये घी बन रहा है, घर का घी, घर का देसी घी, वो भी गाय का, प्योर देसी गाय का घी, थोड़ा थोड़ा निकलता हमारे घर में काम आ जाता, बस बेचने इतना हमारा होता नहीं है क्योंकि देसी गाय। प्योर खाओ और मस्त रहो। और ये सब भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इनकी मेहनत है, हमको तो आता नहीं है। मोबाइल अपना बंद हो रहा है हवा कारण, ये देखो बारिश आने लग गई। तो ये हमारे जो आज थोड़ा सा काम किया था उन्होंने, अब बारिश है कितना दुखता है देखते हैं, वैसे इतना होगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, सुबह तक सही हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से दुबेगा तो सीमेंट लगा देंगे, व्यवस्थित वापस हो जाएगा। जैसी प्रभु इच्छा जैसी हरि इच्छा हो जाएगा सही, बोले ज़्यादा कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। कन्नू तो हमारे ऐसा भागा नदी बचा लगा एकदम से, इधर किमाड़ बचाऊँ बचाऊँ एकदम किमाड़ बचे, जोरदार हवा चले तूफान जैसा हुआ, तगारे उड़ रहे थे सब उड़ रहे थे, और ये एकदम से दौड़ा भागी मचा लगा था नाग। इसको पकड़ना पड़ा कट्ठा एकदम, जीवे नहीं डरता एकदम से, क्या हो रहा है एकदम, ये फिलहाल ऐसा लग रहा है कार लाइटें नहीं आनी क्योंकि हवा बहुत तेज चली, हवा तेज चली तो कहेंगे कोई खंभा गिर गया या कोई फॉल्ट आया या कोई पेड़ गिरा, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, तो इसलिए लाइटें आई नहीं और आएगी भी नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। तो लाइटें नहीं आएगी तो ब्लॉग कैसे बनाएंगे, वीडियो ही नहीं बना सकते ना। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
बाकी आप स्वस्थ रहे और सलाम मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।